मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक सबसे अनोखा, सबसे पावरफुल रिचुअल जो अफर्मेशंस को कभी भी फेल नहीं होने देगा। अगर आप अफर्मेशंस प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको फेलियर मिल रहा है, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, देन अगर इस रिचुअल को अगर आपने अच्छे से फॉलो किया ना गाइस, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। प्लस अगर आप किसी एलोए टेक्निक को इस वक्त इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे या आपको दिक्कत आ रही है उसको इम्प्लीमेंट करने में, तो अगर आप सिर्फ इस रिचुअल को भी फॉलो करेंगे ना, तो भी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ये इतना गजब का, इतना पावरफुल रिचुअल है। तो इस रिचुअल के बारे में डिटेल में इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, आपको कैसे इस रिचुअल को फॉलो करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है और कैसे अपने मैनिफेस्टेशन से, अपने डिजायर से अलाइन करना है, राइट। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, एक बार एंड तक जरूर देखना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, अब फर्स्ट स्टेप आपका होगा, इस वक्त आपकी लाइफ में आपको जो भी डिजायर्स मैनिफेस्ट करने हैं उसकी लिस्ट बनानी। जैसे कि आपने मैनिफेस्टेशन रेसिपी में किया था, वैसे ही आपको एक बार फिर से करना है, राइट। अपने डिजायर्स की लिस्ट बनानी है जो इस वक्त आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ओके? अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा हर एक डिजायर के लिए अफर्मेशन बनाना। अब अफर्मेशन कैसी होनी चाहिए? शॉर्ट, सिंपल एंड क्लियर, राइट। कोई दो चार स्टेटमेंट्स आपको नहीं बनाने हैं, सिर्फ सिंगल सेंटेंस, सिंगल स्टेटमेंट आपको क्रिएट करना है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए जैसे कि आपको सोलमेट मैनिफेस्ट करना है, तो अफर्मेशन क्या होती है उसके लिए? तो सिंगल अफर्मेशन ही है इसमें, और आप ऐसा लिख सकते हो, ऐसा बोल सकते हो कि आई एम मैनिफेस्टिंग माई सोलमेट राइट नाउ, और आई एम अट्रैक्टिंग माई ड्रीम मैन, और आई एम अट्रैक्टिंग माई डिजायर्ड पार्टनर, राइट। इस तरह से अगर आपको जॉब मैनिफेस्ट करनी हो, तो आप बना सकते हो ऐसा अफर्मेशन कि आई एम मैनिफेस्टिंग माई ड्रीम जॉब, और आई एम अट्रैक्टिंग माई डिजायर्ड जॉब, ठीक है। अगर हेल्थ मैनिफेस्ट करनी है, तो आप बोल सकते हो कि आई एम बिकमिंग हेल्दियर एवरी सिंगल डे, और आई एम बिकमिंग हेल्दी एंड स्ट्रांग, राइट। तो इस तरह से आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियरली और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से शॉर्टली आपको एक स्टेटमेंट बनाना है अपने डिजायर्स के रिलेटेड, ठीक है, जिसको अफॉर्म करने में बहुत ही कम टाइम लगे, उसका भी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि आपको कैसे इसको अफॉर्म करना है इस रिचुअल को। तो ये तो सबसे पहली चीज़ हो गई कि डिजायर्स की पहले तो लिस्ट बनाइए, कौन कौन से डिजायर्स मैनिफेस्ट करने हैं। इस वक्त दो चार हो सकते हैं, वो ज़्यादा हो सकते हैं, 10 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, दैट्स फाइन। और उन सबके लिए एक सिंगल स्टेटमेंट बनाइए जो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव अफर्मेशन आपको आपके माइंड में अच्छे से वो इम्प्रिंट हो सके, आपको वो फील हो कि येस दिस इज पॉसिबल, ये ऐसा हो सकता है, राइट। तो इस तरह से थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच को साथ में रखकर आप अफर्मेशंस को क्रिएट करें, राइट। अब थर्ड स्टेप क्या होगा? अब से रोज डेली आपको क्या करना होगा, दिन में हर एक घंटे में इस अफर्मेशंस को जो भी आपने अभी क्रिएट की उनको अफॉर्म करना है, सिंपल, लेकिन 11 पर अफॉर्म करना है। अब से डेली हर एक घंटे में आपको अपनी अफर्मेशंस को अफॉर्म करना है, और हर एक अफर्मेशंस को 11 बार अफॉर्म करना है, राइट। तो अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए कि जैसे कि आप सुबह उठे, तो सुबह उठने के बाद आपको अफर्मेशन एक बार अफॉर्म कर लेनी है 11 बार, फिर आपको अपनी दिन की शुरुआत करनी है, फिर हर एक घंटे के बाद आपको वापस से वो अफर्मेशंस को अफॉर्म कर लेना है, और फिर अपने काम में लग जाइए। उसके लिए आप मोबाइल में रिमाइंडर भी रख सकते हो कि हर एक घंटे में आपका अलार्म बजे, आपका रिमाइंडर बजे, आपको ताकि आप भूल ना जाए, राइट। तो इस तरह से आपको डेडिकेशन से प्लस कंसिस्टेंटली आपको ये चीज़ को फॉलो करना है, अफर्मेशंस को फॉलो करना है। तो दिन में 12 बार होगा, बिकॉज 12 बार भी नहीं होगा, 8 घंटे तो आप सो जाएंगे। तो हर एक घंटे में आपको ये अफर्मेशंस को अफर्म करना है। अब मैंने एक कैलकुलेशन भी बनाई थी कि मान लीजिए कि जैसे कि कोई भी एक अफर्मेशन आप जब अफॉर्म करेंगे, तो उसको अफॉर्म करने में, उस सिंगल सेंटेंस को अफॉर्म करने में 2 से 3 सेकेंड्स ही लगते हैं। जैसे कि अगर मैं इस वक्त बोलूँ कि आई एम अट्रैक्टिंग माई ड्रीम मैन, तो ये 3 सेकेंड जितना लगा इस एक सिंगल स्टेटमेंट को अफॉर्म करने के लिए, राइट। और इसी स्टेटमेंट को हमको 11 बार अफॉर्म करना है, दैट मीन्स के टोटल कितने, एक डिजायर के लिए कितना टाइम लगेगा, 33 सेकेंड्स लगेंगे, राइट। अब इस तरह से जैसे कि मान लीजिए कि आपके जितने भी डिजायर्स हैं उनकी अगर हम अफर्मेशंस का टोटल टाइम अगर हम इस वक्त हम कैलकुलेट करें, तो मान लीजिए 10 डिजायर्स जो मैक्सिमम क्वांटिटी है डिजायर्स की फिलहाल के लिए, तो 10 × 33 दैट मीन्स के 330 सेकेंड्स लगेंगे आपको टोटल इस सारी अफर्मेशंस को अफॉर्म करने में, दैट मीन्स अप्रोक्स 5 मिनट और 30 सेकेंड्स इतना हो गया। तो आप 5 मिनट पकड़ लीजिए, मतलब 5 मिनट लगेगी आपको अपने डिजायर्स की अफर्मेशंस को 11 बार रिपीट करने में, राइट। तो पूरे एक
घंटे के बाद दिन में आपको सिर्फ 5 मिनट निकालने हैं और इस अफर्मेशन को अफर्म करना है। और जब आप इसको अफर्म कर रहे हो तब आपको फुल ऑफ फेथ फोकस के साथ और प्लस रेटिट्यूड के साथ इसको अफर्म करना है। लास्ट में थैंक यू यूनिवर्स बोल के बस अब अपने काम में लग जाइए। इससे क्या होगा, जब आप फुल ऑफ फीलिंग्स के साथ इस अफर्मेशंस को जब अफर्म करेंगे और वो भी दिन में हर एक घंटे के बाद, तो क्या होगा कि आप अपने माइंड को, आप अपने सेल्फ को बार बार रिमाइंड करा रहे हो अपने डिजायर्स के बारे में, प्लस आप पॉजिटिव अफर्मेशंस को अफर्म कर रहे हो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में धीरे 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 ये चीज अंदर डालना शुरू होगा, राइट, वो अंदर सेव होगा। तो इस तरह से आप अपने डिजायर्स के साथ अलाइंड रहना धीरे धीरे शुरुआत होगी। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप अलाइंड हो जाओ या फिर एकदम से नेगेटिव थॉट्स चले जाएं, लेकिन बाय प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी आप एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाएंगे कि आप जब भी अफर्मेशंस करेंगे ना तो आपके वाइब्रेशंस इतने स्ट्रॉन्ग होंगे ना कि आप अपने डिजायर के साथ बहुत जल्दी और इजीली अलाइंड हो पाएंगे। और उसका रिजल्ट ये होगा कि आप सोच भी नहीं सकेंगे इसका कितना जल्दी रिजल्ट मिलेगा। आपका डिजायर इतना जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा ना गाइस कि आप सोच भी नहीं सकते, ये इतना पावरफुल है। तो अगर आप, और ये तो मैंने 10 डिजायर्स की मैक्सिमम आपको टाइम लिमिट बताई, अगर आपके 2-3 डिजायर से हैं फिलहाल या एक ही डिजायर है तो आपको सिर्फ 2 मिनट ही लगेगी इसको अफर्म करने के लिए। ये इतना मतलब इजी है, बहुत ही कम टाइम ये कंज्यूम करेगा एंड कोई इतना एफर्ट भी नहीं करना है आपको, कोई कुछ भी नहीं करना है। तो आप कहीं भी कभी भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको कहीं अलोन प्लेस में जाके बैठने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ऑफिस में हो तो भी आप अपने माइंड में अफर्म कर लो 11 बार एंड देन अपने काम में लग जाओ। तो कितना इजी है, कितना पावरफुल है। और क्या होगा, इस तरह से अपने माइंड को, अपने आप को ये रिमाइंड कराते रहेंगे कि आपके डिजायर्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं, यूनिवर्स आपके साथ है और आप अपने डिजायर्स से अलाइंड है, राइट। तो ये है एक रिचुअल जो आपको रोज फॉलो करना है। इसको आप डेली हैबिट बना दीजिए, डेली रिचुअल बना दीजिए इसको। एंड कभी कभी स्टार्टिंग में कभी भी भूल भी जाए, एक घंटे में आप रिपीट ना कर पाए, दैट्स फाइन, लेकिन धीरे धीरे आप एक कंसिस्टेंसी में चले जाएंगे और फिर आप एक डिसिप्लिन के साथ इसको फॉलो करेंगे तो देखना आपको कितना गजब का रिजल्ट मिलता है। सो गाइस, इस अफर्मेशन रिचुअल को बिल्कुल आप इम्प्लीमेंट करना है सुबह उठने के तुरंत बाद 11 बार, और दिन में हर एक घंटे में आपको ये रिपीट करना है, प्लस रात को सोने से पहले भी एक बार इसको आप रिपीट करना, एंड देखिए आपको कितने अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे गाइस। आप बिल्कुल अपने डिजायर्स को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर पाएंगे, प्लस आप अपने आप को ऑब्जर्व करना कि आपका माइंडसेट, आपके वाइब्रेशंस कितने अलग है इस वक्त, बिकॉज जब भी आप इस रिचुअल को फॉलो करेंगे ना आपको चेंज दिखेगा। अगर आप कंटिन्यूअसली एक हाई वाइब्रेशन में नहीं रह पा रहे तो ये रिचुअल से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप बहुत ही बहुत ज़्यादा टाइम तक आप हाई वाइब्रेशंस में रहेंगे। और जब भी लो फील किया तब भी ये अफर्मेशंस को रिपीट कर लिया तो इंस्टेंटली आपकी एनर्जी भी और ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगी। तो ये जितना भी ईजी है उतना ही ये पावरफुल है। तो बिल्कुल प्रैक्टिस करना और मेरे साथ अपना कोई एक्सपीरियंस हो तो शेयर भी करना। एंड तब तक के लिए कीप गोइंग विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू यू।